हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, सीएससी से रिलेटेड जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। सीएससी की जो दिखा रहा है लॉगिन करने पे आईडी इनवैलिड या डायरेक्ट एसएस नॉट अलाउड, उससे रिलेटेड दोस्तों समाधान जो है आपके लिए हम लेके आए हैं। कैसे आपका जो है सीएससी आईडी का लॉगिन आपको एक्सेस मिलेगा और डिजीमेल आईडी कैसे आपको मिलेगी, कैसे उसका पासवर्ड आपको मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, सीएससी की वेबसाइट पे हैं हम अभी, और यहाँ आपको जो है सीएससी रजिस्ट्रेशन पे आपको चले जाना है और यहाँ अपने माई अकाउंट पे आ जाना है। माई अकाउंट पे आप इस तरह से आप माई अकाउंट पे आ जाते हैं तो यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आपको इस तरह मिलता है, या आपको यहाँ से माई अकाउंट पे आ जाना है। इस तरह से लॉगिन टू योर अकाउंट पे आएगा। सीएससी आईडी आपकी जो है वो आपने यहाँ भरनी है। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे आपकी सीएससी आईडी होती है। ये आप देख सकते हैं सीएससी आईडी, ये आपकी ये है, ये आप देख सकते हैं ये सीएससी आईडी है। या आपको इस तरह से डिजीमेल में इस तरह से डायरेक्ट लिंक आपको मिलता है। तो आपने यहाँ सीएससी आईडी भर लेनी है, यहाँ ये कैप्चा कोड भर लेना है और इसे भर के आपने सबमिट कर दे रहे हैं। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको एक कोड पूछता है, जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ यहीं से मैं आपको कैसे ये कोड देता है। या आपने इस तरह से सीएससी आईडी यहाँ भर लेनी है और कैप्चा कोड जो ये दिखा रहा है यह आपने यहाँ भर लेना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से ये अपनी ईमेल दिखा रहा है हमारी, और यहाँ मेल में जो ओटीपी आया है वो हमने यहाँ भरनी है और उसके बाद कैप्चा कोड भर के वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, जो वैलिडेट पे मैंने जब किया तो मेरे को सीधे ये इस तरह से सीएससी में डायरेक्ट ले गया। मेरे को ना तो कोई थंब इम्प्रेशन का उसने मांगा ना कुछ मांगा, सीधे सीएससी की आईडी में लॉगिन में हो गया इस तरह से। और आपका डिजीमेल का कैसे आपको मिलेगा, तो आपको जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल जो दी है उस पे इस तरह से आपको एक मेल आता है। ये आप देख सकते हैं, डियर रोहित कुमार कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ये इस तरह से सीएससी आईडी की डिटेल दे रखी है। और मेरी डिजीमेल जो आईडी इन्होंने बना के मेरे को दी है ये देख सकते हैं आप, और उसका इस तरह से एक पासवर्ड आता है, वो पासवर्ड ही आपको डालना होता है। उसके बाद आपको जब आप लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड चेंज करने को बोलता है, और इस तरह से डायरेक्ट मेल एक ये रहता है। तो जो डायरेक्ट एसएस नॉट अलाउड जो दिखा रहा है वो तो इसी तरह से दिखा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट लिंक जो इन्होंने खुद से जो देना है वो हमें अभी नहीं मिला है, क्योंकि उसे जब सीएससी की जो आईडी हमारी जनरेट हो चुकी है लेकिन जो डायरेक्ट लिंक होता है वो आने में टाइम लगाता है। तो इसलिए हमें बोल रहा है कि डायरेक्ट एसएस नॉट अलाउड। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से डायरेक्ट लिंक ये मिलेगा, इसको आपने खोल लेना है। डायरेक्ट लिंक जब आप खोल लेते हैं तो इस तरह से यहाँ आपने यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये जो है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से जब आप पहली बार लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद उसके बाद ये इस तरह से एरर एक दिखाता है, योर पासवर्ड इज नॉट लॉन्गर वैलिड, प्लीज़ चूज ए न्यू पासवर्ड। तो इस तरह से आईडी उसके बाद ये खुद ही देता है, और पासवर्ड जो हमें दिया ही है वो यहाँ डालना होता है, नया पासवर्ड हमें यहाँ डालना होता है, कंफर्म करके फिर साइन इन हमें कर देना होता है। तो इस तरह से नया पासवर्ड हमें सेलेक्ट करने को उसी टाइम बोल लेता है लॉगिन करते ही। इस तरह से जब आप यहाँ यूजर नेम और वो पासवर्ड देते हैं जो हमें यहाँ ईमेल में जो मिला है, ये जब आप ये लॉगिन आईडी और ये पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो हमें पासवर्ड चेंज करने को उसी टाइम बोल देता है। और जब हम डिजीमेल आईडी अपनी खोलते हैं इस तरह से आप ये देख सकते हैं, तो यहाँ हमें जो है मेल में जो इसका मेल बॉक्स है ये आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे मेल में ये दिखाता है। जो मेल बॉक्स है इसको आप जब खोलते हैं तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, यहाँ फिर से एक मेल आ रखा होता है हमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट लिंक दे रखा है जो कि हमें बोल रहा है डायरेक्ट एसएस नॉट अलाउड, तो इसीलिए बोल रहा है। यहाँ भी डायरेक्ट लिंक है और यहाँ हमारी सीएससी आईडी वही है जो हमें बाहर दिखा रहा था, जहाँ हम जब जो हमें नंबर मिल रखा है स्टेटस चेक करने के लिए उससे जब हम चेक करते हैं तो यही आईडी हमें दिखाता है, लेकिन वहाँ पासवर्ड नहीं होता है और डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, इसलिए हम डायरेक्ट जो है हम लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, आपको डिजीमेल आईडी का जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा आपके रजिस्टर्ड मेल पे, और सीएससी आईडी जो आएगी आपकी वो आएगी डिजीमेल पे। सीएससी आईडी और उसका पासवर्ड डिजीमेल पे आता है, और वहाँ से आपने जो है इस तरह से लॉगिन करके अपना पासवर्ड वगैरह
चेंज कर लेना है। और इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से आपका CSC लॉगिन हो जाता है, CSC आईडी आपकी जनरेट हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं मैं CSC की वेबसाइट पे हूँ अभी और मैंने लॉगिन कर रखा है। आप ये देख सकते हैं लॉगिन, ये डैशबोर्ड वगैरह पूरा ये खुल रहा है, इसमें देख सकते हैं आप इस तरह से पूरी ये खुल रही है, इस तरह से आप ये देख सकते हैं। और इसी तरह की जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें। और CSC आईडी या CSC लॉगिन या CSC रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसे लगी, ये वीडियो कैसे लगा आपको हमें कमेंट करके बताएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको इस तरह की नया जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।